ये 6 मैच हो चुके थे हमारे, हम 3 जीते थे और 3 हारे थे। मैच के एक रात पहले मुझे फोन आया अनिल कुंबले का, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला मुझे कि दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड एंड यू विल बी कैप्टनिंग टुमारो। ही इज द कैप्टन एंड ही डिसाइडेड टू ड्रॉप हिमसेल्फ फ्रॉम द टीम। इट्स अ लिटिल सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट। जॉन राइट केम अप टू मी एंड ही सेड इट वाज अ रियली ग्रेट मूव। वी गो ऑन टू विन द चैंपियनशिप। इट वाज फर्स्ट चैंपियनशिप। इट्स ऑलवेज स्पेशल। फर्स्ट द फर्स्ट दैट यू डू एनी ऑफ इट, यू नो, इट्स ऑलवेज स्पेशल। इस कहानी का शुभारंभ बैक टू बैक मुंबई के पराजय से प्रारंभ होता है। इस प्रतियोगिता के प्रारंभ से मुंबई बैक टू बैक पराजय से गुजर रही थी। मुंबई के इस प्रदर्शन से मुंबई फैंस में निराशा थी। मुंबई का साम्राज्य लगातार छठवें साल एलिमिनेट होने के कगार पर था। इधर मुंबई की इस अवस्था से संपूर्ण मुंबई फैंस में असंतोष की भावना व्याप्त थी। इसी असंतोष, इसी सूखे को खत्म करने के लिए एक नवयुवा को, मुंबई का नया कप्तान, नया सम्राट घोषित किया जाता है। मुंबई की डूबती नैया को अब पार लगाने के लिए मुंबई का आखिरी खेवैया मुंबई के लिए अब मैदान में था। उसने अपने अदम्य साहस, अद्भुत अकल्पनीय रणनीतियों के तहत बैक टू बैक बड़ी जीत को अर्जित कर उसने अपने साम्राज्य को इस प्रतियोगिता में सर्वशक्तिशाली, सर्वप्रथम बना दिया। मुंबई जो प्रतियोगिता के प्रारंभ में इस प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर थी, वही मुंबई फाइनल के आखिरी दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। और मुंबई का सामना होने वाला था इस प्रतियोगिता के सर्वशक्तिमान महानायक, महान चिन्नाथला के चेन्नई से। इसी वर्ष चेन्नई के सामने क्वालिफायर में घुटना टेकने वाली है मुंबई। एक बार फिर से अपने योद्धाओं के साथ आईपीएल इतिहास के सर्वशक्तिशाली, सबसे सफल कप्तान के सामने खड़ी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री। द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द राइज ऑफ ग्रेटेस्ट राइवलरी एंड हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। मई 2013, कोलकाता ईडन गार्डन। आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। कुछ ही घंटों में इस आईपीएल का एक नव निर्वाचित नया सम्राट प्राप्त होने वाला था। इस प्रतियोगिता के प्रारंभ में कई साम्राज्यों ने भाग लिया था, परंतु एक एक करके सारे साम्राज्य इस प्रतियोगिता से निष्कासित होते चले गए और अंततः सिर्फ और सिर्फ दो साम्राज्य और एक ट्रॉफी की ये जंग थी। प्रतियोगिता अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। यहाँ से एक कप्तान आईपीएल इतिहास का नया सम्राट बनने वाला था, वहीं दूसरे का सपना एक वर्ष के लिए फिर से सपना बनने वाला था। दोनों कप्तान अपने योद्धाओं के साथ हम मैदान में थे। एक तरफ एक ऐसा कप्तान जिसके पास विश्व विजेता होने का खिताब था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा युवा कप्तान जिसे रातों रात आपातकाल में कप्तान बनाया गया था। हजारों दशकों से भरा ये मैदान महान चिन्नाथला के उपनाम से गूंज रहा था। मैदान के चारों तरफ महेंद्र सिंह धोनी का जयगान हो रहा था। टॉस के लिए दोनों कप्तान अब मैदान में थे। टॉस मुंबई के कप्तान रोहित के पक्ष में गया और कप्तान रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। मुंबई अब अपने प्राथमिक योद्धाओं के साथ मैदान में थी। उधर चिन्नाथला मुंबई के इन योद्धाओं से निपटने के लिए अपने तुरुप के इक्के मोहित शर्मा को मैदान पर उतार दिया। महान चिन्नाथला की यह चाल तब काम कर गई जब पिछले दो मैचों में नायक रहे ड्वेन स्मिथ को मोहित शर्मा ने अपने जाल में फंसा लिया। ड्वेन ने मोहित के सामने घुटने टेक दिए। ड्वेन के बाद अवादित्य के भी तारे गर्दिश में थे। विकेटों के इस पतन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बैक टू बैक मुंबई के बड़े विकेट गिर रहे थे। चौथे ओवर में एक बार फिर से एलवी मॉर्कल ने पलटवार किया और मुंबई के कप्तान को मैदान के बाहर चलता किया। 18 के स्कोर पर मुंबई अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। पावर प्ले के समाप्ति तक मुंबई के खाते में मैच 34 रन थे। अंबाती और दिनेश का संघर्ष लगातार जारी था, परंतु क्रिस मॉरिस ने 10वें ओवर में संघर्ष कर रहे डीके को डांडियाल से आउट कर दिया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के 4 बड़े महान योद्धा मैदान छोड़ चुके थे, परंतु इन गेंदबाजों का ये कहर तब जहर बन जाता है जब कायरन की काली शक्तियां मैदान में जाग उठती हैं। एक तरफ से अंबाती अपना खेल खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से कायरन चिन्नाथला के मंसूबों में पानी फेर रहे थे। कायरन के प्रारंभिक विस्फोट की बदौलत मुंबई 15 ओवर में 100 के स्कोर को पार कर चुकी थी।
अब मुंबई सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही थी, परंतु रास्ते में ब्रावो ने अंबाती का डीजे बजा दिया। अपने साथी के साथ इस बर्ताव से भुर्राए कायरन ने हरभजन के साथ मिलकर 18वें ओवर में ब्रावो का डीजे बजा दिया और वैक टू वैक चार चौकों की मदद से एक शानदार पलटवार किया। 18 ओवर तक मुंबई के खाते में 6 विकेट के नुकसान पर 129 रन आ चुके थे। 19वां ओवर मुंबई के लिए कुछ खास ना रहा। आखिरी ओवर के प्रारंभिक गेंदों में मुंबई बैक टू बैक अपने दो बड़े विकेट खो चुकी थी, परंतु पारी की आखिरी दो गेंदें और उन आखिरी दो गेंदों का सामना था कायरन और कायरन की काली शक्तियों से। डीजे ब्रावो की अगली बॉल और इस बॉल पर कायरन का ये चौका, फिर इस ओवर और पारी की आखिरी बॉल और कायरन का एक बार फिर से एक दनदनाता हुआ चौका। कायरन के महाविस्फोटक फिनिश की बदौलत मुंबई एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। मुंबई के खाते में अब 148 रन थे। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। अपने प्रारंभिक योद्धाओं की असफलता के पश्चात मुंबई ने कायरन की काली शक्तियों का प्रयोग कर मुंबई के स्कोर को 148 के पार पहुंचा दिया। कायरन ने महज 32 गेंदों में 60 रनों की एक महाविस्फोटक एक महान पारी खेली। उधर चेन्नई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज डीजे ब्रावो रहे। डीजे ब्रावो ने 4 ओवर में 42 रन खर्च करके मुंबई के 4 बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया। महान चिन्नाथला के इन योद्धाओं के समक्ष अब 120 गेंदों में 148 रनों का महान लक्ष्य था, परंतु मुंबई के इन महारथियों के सामने ये लक्ष्य, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी। मुंबई के ये महारथी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। इस लक्ष्य पर विजय प्राप्ति हेतु महान चिन्नाथला ने मुरली के साथ माइकल हसी को मैदान पर उतार दिया। वहीं मुंबई के कप्तान ने चिन्नाथला के इन प्रयोगों को निरस्त करने के लिए अपने दल के सबसे बड़े महारथी स्लिंगा मलिंगा का प्रयोग किया। स्लिंगा ने अपने पहले ही ओवर में चिन्नाथला के दो महान योद्धाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उधर मुंबई के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जॉनसन चेन्नई के तीसरे महायोद्धा को पवेलियन की राह पकड़ा दी। देखते ही देखते चेन्नई महज 5 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। यहां से चिन्नाथला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि महान चिन्नाथला जिस कप्तान को सूक्ष्म समझ रहे थे, वही कप्तान अब महान चिन्नाथला के सामने व्यापक बन चुका था। पावर प्ले का आखिरी ओवर, उस कप्तान की रणनीतियां महान चिन्नाथला के चौथे बड़े योद्धा को ये मैच पवेलियन से देखने के लिए मजबूर कर दिया। क्वालिफायर के फर्स्ट राउंड में चिन्नाथला का जो साम्राज्य मुंबई पर अपनी सत्ता स्थापित कर फाइनल का सफर तय किया था, चिन्नाथला का वही साम्राज्य महज 8 ओवर में 41 रन बनाकर बिखर चुका था। परंतु चेन्नई की उम्मीदें, चेन्नई का माही, चेन्नई का महेंद्र सिंह धोनी अभी भी चेन्नई के लिए मैदान में था। महेंद्र ने मॉर्कल के साथ एक बड़ी साझेदारी का समझौता किया, परंतु रोहित के प्रो ज्ञान ने माही के इस प्लान को चौपट कर दिया। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। एक छोर से माही मुंबई के इस महान पलटवार को अपने इन्हीं प्रकांड त्रिकों से देख रहा था। माही ने अश्विन के साथ मिलकर के 15वें ओवर तक चेन्नई को एक बार फिर से ट्रैक पर लाने का प्रयास किया, परंतु अब चेन्नई को अगले 5 ओवर में 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे और ऐसे में अब चेन्नई के पास थे सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट। 18वें ओवर में करण ने अश्विन को आउट कर चेन्नई को 9वां झटका दे दिया। अब आखिरी 12 गेंदों का खेल बाकी था और चेन्नई को अगली 12 गेंदों में बनाने थे 50 रन। ये 50 रनों की आवश्यकता चेन्नई के लिए आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब चेन्नई को पर ओवर 25 रन बनाने थे। ये लक्ष्य चेन्नई के लिए आसान नहीं रहा। महान चिन्नाथला के संघर्ष की बदौलत चेन्नई पर ओवर 13 के हिसाब से रन बना पाती है। माही के पराक्रम और संघर्ष की बदौलत चेन्नई इस मैच को महज 23 रन से पराजित हो जाती है। चेन्नई अब 23 रनों से पराजित हो चुकी थी। आईपीएल को एक नया कप्तान, एक नया सम्राट मिल चुका था। मुंबई का ये नया कप्तान मुंबई का मुस्तकबिल पलट चुका था। पिछले 5 वर्षों से चला आ रहा वो सूखा अब मुंबई के लिए खत्म हो चुका था। अब आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब आईपीएल की ट्रॉफी पर मुंबई साम्राज्य का कब्जा हो चुका था, और मुंबई के इसी कब्जे के साथ प्रारंभ होती है आईपीएल इतिहास की सबसे भयानक, सबसे खतरनाक एक विस्फोटक राइवलरी, जिसे विश्व क्रिकेट में एल क्लासिको कहा गया। मुंबई आईपीएल सीजन 6 का चैंपियन बन गया है। मुंबई इंडियंस तीनों खानों में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के अंदर बेटर थी, इसलिए वो जीत। चेन्नई सबसे बड़ी बात इसमें ये कि मुंबई का जो सपना था आईपीएल 9-10 they got into a final 11-12 there, not quite, there's been a champions league here and there, not quite, now 2013 तो सुनिए हमारी आवाज हमारे अंदाज में तो डॉक्यूमेंट्री के कुछ नए एपिसोड्स, इस एल क्लासिको की कुछ नई जंगे बिल्कुल नए अंदाज में।